आजकल लोगों के जज्बातों के साथ खेलना सेलिब्रिटीज के लिए एक धंधा बन गया है। आप और हम जैसे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर ये हमारे इमोशन से खेलते हैं और फिर हमें अपने हिसाब से जब चाहें बेवकूफ बना देते हैं। कल शाम ही देवोलीना भट्टाचार्य और विशाल सिंह ने खुद अपने रिश्ते का ऐलान किया था। विशाल ने देवोलीना को रिंग पहनाई और इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया। इसके बाद लोग दोनों को बधाई देने टूट पड़े। खासकर देवोलीना और विशाल के फैंस इस रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी चंद पलों की थी। दरअसल ये देवोलीना और विशाल का एक पब्लिसिटी स्टंट था। देवोलीना और विशाल का एक रोमांटिक गाना आ रहा है और इसी वजह से इन दोनों ने लोगों के जज्बातों से खेलकर ये प्रैंक कर दिया। वो जानते थे कि फैंस और मीडिया उनकी बातों में आ जाएगा, बिना पैसा खर्च किए अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। तमाम बड़े बड़े न्यूज पोर्टल और चैनल वेबसाइट ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को पब्लिश कर दिया ताकि देवो के हर फैन तक उनकी ये गुड न्यूज पहुंच जाए। लेकिन बाद में देवोलीना ने इसे मजाक करार देकर हम सबको ही झूठा बता दिया। देवोलीना की इस हरकत से फैंस काफी भड़के हुए हैं। तमाम लोगों ने जाकर देवोलीना के इस वीडियो पर उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन इस हरकत को करके देवोलीना ने जो लोगों का विश्वास तोड़ा है उससे सबको झटका लगा है। इस तरह प्यार का मजाक उड़ाकर लोगों के जज्बातों से खेलना प्रैंक नहीं हो सकता। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए।